एनाइशियोमर्स की बात हम कर रहे थे, तो एनाइशियोमर्स वो होते हैं जो इक्वल अपोजिट रोटेशंस करते हैं, और उसको हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे या नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, जो लेकिन इनकी जो वैल्यू है स्पेसिफिक रोटेशन की वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, और बाकी की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी क्या रहती हैं, उसकी सेम रहती है। ठीक बात। अगर हम इसको टार्ट्रिक एसिड में देखें, तो टार्ट्रिक एसिड अगर आप देखते हो तो टार्ट्रिक एसिड क्या होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है आपका, दिख रहा है ये? हाँ एक तो टार्ट्रिक एसिड का इस तरह से होता है, एक टार्ट्रिक एसिड का जो आइसोमर होता है वो इस तरह से होता है। तो यहां पर आप क्या देखोगे, यहां पर आप देखोगे कि ये मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे की, और एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और एक लिवर रोटेटरी है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में टार्ट्रिक एसिड है। तो ये टार्ट्रिक एसिड मैं आपको बता रहा था कि ये आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी टार्ट्रिक एसिड है, ये आपका लिवर रोटेटरी टार्ट्रिक एसिड है, और चार अलग अलग ग्रुप से घिरे हुए हैं, और अलग अलग तरीके से जब हम इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को स्टडी करते हैं तो वो लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में उसको रोटेट कर देता है। लेकिन एक तीसरा और आइसोमर यहाँ पर टार्ट्रिक एसिड में हमें देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं मीजो टार्ट्रिक एसिड। अब ये जो मीजो टार्ट्रिक एसिड है, वो मीजो टार्ट्रिक एसिड क्या होता है कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड और लेवर रोटेटरी कंपाउंड, मतलब दक्षिणावर्तक घूर्णक कंपाउंड और वामावर्त घूर्णक जो कंपाउंड है उसकी बराबर क्वांटिटी या बराबर मात्रा अगर हम मिला करके और एक मिक्सचर तैयार करें, तो हमारे पास जो मिक्सचर आता है उसे हम बोलते हैं मीजो मिक्सचर। समझ में आई बात? कंटेनर में वामावर्त घूर्णक और दक्षिणावर्त घूर्णक का बराबर क्वांटिटी हम लेते हैं, जैसे 50 ml हमने ले लिया जो पॉजिटिव टार्ट्रिक एसिड था, जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी टार्ट्रिक एसिड था वो, और 50 ml हमने ले लिया जो लेवर रोटेटरी कंपाउंड टार्ट्रिक एसिड था, या जैसे आप माइनस टार्ट्रिक एसिड बोल रहे हो वो। अब इन 50-50 ml को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो जो हमारे पास में 100 ml कंपाउंड सॉरी मिक्सचर मिल बन करके आया है, उस मिक्सचर को आप बोलोगे मीजो टार्ट्रिक एसिड। अब जो मीजो टार्ट्रिक एसिड होता है, ये इसकी प्रॉपर्टी जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवर रोटेटरी टार्ट्रिक एसिड है उससे डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि लेवर रोटेटरी का आपको पता था कि वो लेफ्ट डायरेक्शन में घुमाएगा एंटी क्लॉक वाइज, डेक्स्ट्रो रोटेटरी का जानते हो कि वो राइट डायरेक्शन में घुमाएगा। तो जितना आपने क्वांटिटी भी सेम ली है कि जितनी लाइट डेक्स्ट्रो रोटेटरी राइट डायरेक्शन में घुमा रहा था उतना ही लिवर रोटेटरी लेफ्ट डायरेक्शन में घुमा रहा था, तो जो टोटल आपके पास में स्पेसिफिक रोटेशन का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, जीरो जीरो, ठीक है ना। क्योंकि जितना लेफ्ट डायरेक्शन में घुमाया गया उतना ही क्वांटिटी में राइट डायरेक्शन में घुमाया गया, तो रिजल्ट आपके पास में आता है जीरो। तो वो जो मिक्सचर है मीजो मिक्सचर, उसका स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, उसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है जीरो। और इस तरह के जो मिक्सचर्स हैं उनको हम मीजो मिक्सचर्स बोलते हैं। और ये जो मीजो मिक्सचर्स है, ये जो जीरो स्पेसिफिक रोटेशन दिखा रहा है वो किस वजह से दिखा रहा है, एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से। एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से इसको दूसरे तरीके से ऐसे समझेंगे कि मान लो कि आपने 50 ml डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड लिया, अब उसके अंदर 50 ml हमने दूसरा कंपाउंड लिया लेवर रोटेटरी, और धीरे धीरे उसको मिलाएंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी में, लेवर रोटेटरी को धीरे धीरे हम मिलाते जाएंगे। तो आप देखोगे कि जैसे जैसे आप डेक्स्ट्रो रोटेटरी में लेवर रोटेटरी को मिलाते जाओगे, तो वो जो एंगल था, जो रोटेशन हमारे पास में टार्ट्रिक एसिड का
आ रहा था वो धीरे 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 क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, जीरो की तरफ बढ़ता जाएगा। और जब हम पूरा का पूरा लेबोरेटरी कंपाउंड उसमें मिला देंगे तो वो सारा का सारा कंपनसेट कर देगा। तो हमने बाहर से जब मिलाया लेबोरेटरी कंपाउंड तभी तो उसका स्पेसिफिक रोटेशन प्लस वैल्यू से जीरो वैल्यू तक पहुंचा या माइनस वैल्यू से जीरो वैल्यू तक पहुंचा। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इसीलिए हम इसे बोलते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से मीजो कंपाउंड्स का स्पेसिफिक रोटेशन जीरो हो जाता है। ठीक है, अगर हम एनाइशोमर्स की प्रॉपर्टी को डिस्कस अगर हम करें तो एनाइशोमर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एनाइशोमर्स की प्रॉपर्टी होती है कि भाई वो जो कंपाउंड है वो स्टेबल होना चाहिए, साथ में उसकी जो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है सिर्फ उसी में अंतर होना चाहिए, बाकी किसी चीज में अंतर नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ टार्ट्रिक एसिड, तो आप देखो यहाँ पर अरेंजमेंट जो है वो थ्री डी अरेंजमेंट डिफरेंट है। आपका स्केलेटन उसी तरह कैसे है कि सी डब्ल्यू एच, सी एच ओ एच, सी एच ओ एच और सी डब्ल्यू एच, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो सी डब्ल्यू एच, सी एच ओ एच, सी एच ओ एच और सी डब्ल्यू एच दोनों में सेम है लेकिन अरेंजमेंट डिफरेंट है। मतलब जो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है कि इस पर्टिकुलर कार्बन पर ये इस कार्बन को अगर हम यहाँ देखें कि ये जो फर्स्ट हमारा ये जो कार्बन है जो असिमेट्रिक कार्बन है इसमें लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर हाइड्रोजन है और राइट डायरेक्शन के अंदर OH है और यहाँ पर क्या है लेफ्ट डायरेक्शन में OH है जबकि यहाँ पर लेफ्ट डायरेक्शन में हाइड्रोजन था। तो ये अरेंजमेंट सिर्फ डिफरेंट है कि मैंने इस पेन को इस राइट हैंड में पकड़ने की बजाय कहाँ पकड़ लिया, लेफ्ट हैंड में पकड़ ली, और ये जो मेरा माउस था इस माउस को मैंने ये मैंने चेंज कर लिया। तो चीजें तो वही रही ना, सिर्फ अरेंजमेंट चेंज हुई है। तो ये जो अरेंजमेंट है सिर्फ ये बदल जाती है, इसके अलावा जो कंपाउंड है वो नहीं बदलता। वो स्टेबल कंपाउंड होना चाहिए, केवल थ्री डायमेंशनली उसकी अरेंजमेंट डिफरेंट होनी चाहिए। और प्रॉपर्टीज क्या होती है कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसकी बिल्कुल सेम होती है, चाहे वो मेल्टिंग पॉइंट हो, डेंसिटी हो, सॉल्युबिलिटी हो, रिएक्टिविटी हो, ये सारी की सारी जो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ये क्या होती हैं, सेम होती हैं। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट भी होती हैं, जैसे ऑर्डर डिफरेंट होता है, जो स्मेल आती है वो डिफरेंट होती है। जैसे कि जो पॉजिटिव लिमोलॉन होता है उसका जो स्मेल होती है वो ऑरेंजेस की जैसे होती है, और जो आपका लेबोरेटरी मतलब माइनस लिमोलॉन जो होता है उसकी जो स्मेल है वो लेमन के जैसे होती है। अब देखो नींबू की स्मेल और ऑरेंज जो आपकी नारंगी है उसकी स्मेल, दोनों में अंतर होता है लेकिन आती वो लेमन ऑन की वजह से ही है, और एक डेक्सट्रोरोटरी और एक लेबोरेटरी। तो कुछ चीजों में डिफरेंट भी होती है लेकिन ज्यादातर फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि इनका फिजियोलॉजिकल जो नेचर है वो भी डिफरेंट होता है, या ये फिजियोलॉजिकली भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। मतलब जब हम कोई दवा बनाते हैं और हमारे ऊपर जब उस दवा का असर होता है, ठीक है ना, तो वो भी डिफरेंट डिफरेंट है कि इसका डेक्सट्रोरोटेटरी कंपाउंड जो है वो हमारे लिए जरूरी है या लेबोरेटरी कंपाउंड है वो उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए जरूरी है, वो हमें देखना पड़ता है। क्योंकि अगर एक ऐसा आइसोमर जो जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी हमें बीमारी है उस पर वो काम ही नहीं करता, बल्कि वो पॉइजन की तरह काम करेगा। जैसे कि मान लो कि निकोटीन है, अब ये निकोटीन अगर हम डेक्सट्रोरोटेटरी ले लें, ये निकोटीन डेक्सट्रोरोटेटरी है तो वो पॉइजनस है, लेकिन अगर वही निकोटीन आपने क्या लिया है, नेगेटिव निकोटीन लिया है, लेबोरेटरी निकोटीन लिया है, तो वो क्या करेगा, वो आपके बॉडी पर सही इफेक्ट करेगा जिस पर्टिकुलर चीज को ठीक करने के लिए या जिस प्रॉब्लम को या बीमारी को ठीक करने के लिए हमने उसको बनाया है। तो हमारे बॉडी पर फिजियोलॉजिकली इनका इफेक्ट भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। वो जो ड्रग बनाते हैं, जब आप उस ड्रग को कभी देखोगे पीछे उसमें सॉल्ट का नाम लिखा होता है, साथ में ये भी लिखा होता है कि वो डेक्सट्रोरोटेटरी है या लेबोरेटरी है, उस पर लिखा होगा वो डी या एल या प्लस या माइनस किसी ना किसी तरीके से। ऐसा नहीं कि उस पर आपने देख लिया कि हाँ सर वो निकोटीन काम में लेना है, आप प्लस माइनस आप भूल गए और आपने तो क्या किया कि सिर्फ ये ध्यान रखा कि निकोटीन इस बीमारी में आपको देना है और ये अच्छा ड्रग है, लेकिन वो प्लस माइनस की जगह हमने प्लस वाला दे दिया, तो जो हम उसकी जान बचाना चाहते थे वो उसकी जान क्या हो गई खतरे में आ गई। ठीक है ना, तो इनका फिजियोलॉजिकल जो नेचर है वो भी डिफरेंट डिफरेंट
होता है। दूसरा क्या है कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो ज्यादातर एक जैसी होती है, लेकिन अगर हम इन्हें किसी स्पेशल कायरल सॉल्वेंट के अंदर या किसी कायरल रीजेंट के साथ में यूज करते हैं या उनकी प्रेजेंस में यूज करते हैं, तो इनका जो नेचर है, जो केमिकल रिएक्शन की जो रेट है या उस केमिकल नेचर, जो केमिकल प्रॉपर्टी है, वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन के अंदर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है। लेकिन अगर हम किसी कायरल रीजेंट और कायरल सॉल्वेंट में हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, बदल जाती है। ठीक बात। अच्छा, अभी जैसे हमने बात की थी कि एनाइशोमर्स की, कि ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे आइसोमर्स, ऐसे कंपाउंड्स जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस होते हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं किए जा सकते, उनको हमने बोला था कि वो होते हैं एनाइशोमर्स। लेकिन कुछ कंपाउंड्स आप ऐसे भी देखोगे जो एक दूसरे के मिरर इमेज तो होते हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज भी किए जा सकते हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते, ठीक है ना। तो अगर हम कुछ कंपाउंड्स को हम देखें जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होंगे, मिरर इमेज होना नहीं है, मिरर सॉरी जैसे हमने कल देखा था ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या थे, जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं, जैसे कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड का मिरर इमेज होता है बट एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं किए जा सकते, ठीक है ना। अब वो कंपाउंड्स जो ऑप्टिकली आइसोमर तो है बट एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, अब वो कंपाउंड कैसे होंगे जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होंगे। वो कंपाउंड ऐसे होंगे कि जैसे ये जो कंपाउंड आपका है टार्ट्रिक एसिड, इसी में एक आइसोमर में आपका और यहां लिखूं कि ये आपका COOH, ये कार्बन, एक कार्बन, और ये आपका COOH, ये HOH, और ये। अब देखो यहां पर आप देख रहे थे इन दोनों आइसोमर्स में कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप जो है वो दोनों एक ही तरफ थे, और यहां पर आप देख रहे थे यहां इसकी मिरर इमेज था तो यहां पर भी वो एक ही तरफ होगा। लेकिन इस वाले आइसोमर में आप देख रहे हो कि इस कार्बन पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो जुड़े हुए हैं वो एक दूसरे के अपोजिट जुड़े हुए हैं, कि यहाँ लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन है, राइट साइड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इधर इस कार्बन पर लेफ्ट साइड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और राइट साइड में हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों को अगर हम देखें तो ये दोनों तो एक दूसरे की मिरर इमेज है, ये तो एक दूसरे की मिरर इमेज है, लेकिन क्या ये इसके साथ में मिरर इमेज शो कर रहा है, नहीं कर रहा। क्या ये इसके साथ में मिरर इमेज शो कर रहा है, इसके साथ में नहीं कर रहा, हाँ या ना, मेरी बात समझ में आ रही है, कोई कुछ बोल नहीं रहा। शिवानी क्यों, प्राची शिवानी का आ रही है ना, तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज तो है, ये दोनों तो एक दूसरे की मिरर इमेज है, लेकिन ये जो है ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। अगर मैं यहाँ पर मिरर इनके बीच में रख दूं तो इसको मैं मिरर इमेज नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ पर ये OH यहाँ दिखाई देना चाहिए था लेकिन यहाँ तो नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं है, तो ये क्या हो गए, एनाइशोमर्स नहीं हुए। ये एनाइशोमर्स तो कौन है, ये और ये है एनाइशोमर्स, और ये क्या हो जाएंगे जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, ये हो जाएंगे डायस्टीरियोमर्स। क्या हो जाएंगे, डायस्टीरियोमर्स। तो वो कंपाउंड्स जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते, फिर भी लाइट के प्रति तो उनका व्यवहार अलग है, वो तो अलग बात है, लेकिन मिरर इमेज नहीं है एक दूसरे की, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, डायस्टीरियोमर्स बोलते हैं। और इन डायस्टीरियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ये क्या होती है, डिफरेंट 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 होती है, ठीक बात। इसी तरह से ये जो डायस्टीरियोमर्स हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं कुछ क्रोमेटोग्राफिक मेथड से या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, तो कुछ मेथड से हम इनको सेपरेट भी कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कि एनाइशोमर्स और डायस्टीरियोमर्स जो थे उसमें वो कितने एनाइशोमर्स शो करेगा, कितने डायस्टीरियोमर्स शो करेगा, उसमें हम बात करें तो देखो जितने भी काइरल सेंटर उसमें प्रेजेंट होंगे, काइरल सेंटर समझते हो, yes,
काइरल सेंटर का मतलब है कि वो कार्बन जो चार yes, अलग अलग किन से जुड़ा हुआ हो, ग्रुप से या एटम से जुड़ा हुआ, ये जो कार्बन है ये आपका काइरल सेंटर। ठीक है, अब ये जो काइरल सेंटर है, अब इसमें कितने काइरल सेंटर है, एक। इसमें कितने काइरल कार्बन है, एक। तो अगर हम यहां पर ये जो नियम है वो क्या है, वो हमारे पास में नियम है 2n का। ठीक है, सो ये 2n, n क्या है यहां पर, नंबर ऑफ काइरल सेंटर्स। अब यहाँ 2 और यहां पर कितना है, एक ही कार्बन है, तो यहां पर आप रखो एक, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1, तो ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है ना, तो आप देखोगे कि अगर कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें केवल एक काइरल सेंटर होगा वो कितने स्टीरियो आइसोमर्स को शो करेगा, तो। ठीक बात, यस सर। जैसे कि यही वाला कंपाउंड अगर आप देख लो, तो इसको अगर मैं यहाँ पर मिरर लगाऊं और यहाँ मिरर लगा करके लिखूं, तो ये क्या आ जाएगा, ये ए आ जाएगा, ये सी आ जाएगा, ये आपका बी आ जाएगा, ये डी आ जाएगा। ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। यस सर। अब ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो देखो एक आइसोमर तो बन रहा है ये और एक आइसोमर बन रहा है ये, तो कितने आइसोमर हो गए, दो। काइरल सेंटर कितने थे, एक। एक तो हमने यहाँ पर रख दिया, तो एक काइरल सेंटर एक यहाँ पर रखते हैं n की वैल्यू, और ये निकल करके आ गया कि भाई दो आइसोमर शो करेगा, तो ये दो आइसोमर है, एक आइसोमर ये है और एक आइसोमर ये। लेकिन अगर हम यहाँ टार्ट्रिक एसिड में देखें, तो देखो टार्ट्रिक एसिड में हम यहाँ पर कितने काइरल सेंटर है, यहाँ पर हमारे पास दो काइरल सेंटर है, एक काइरल सेंटर तो है ये और एक काइरल सेंटर है ये, दो काइरल सेंटर है, एक काइरल सेंटर तो ये है और एक काइरल सेंटर ये है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 2n की बात करें, तो और यहाँ इसको रखें, तो ये 2 की पावर हो जाएगी 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 4। तो इसको टार्ट्रिक एसिड को कितने आइसोमर शो करने चाहिए, स्टीरियो आइसोमर्स 4। अब 3 तो आपके सामने है, तीन आपके सामने है, लेकिन देखो अगर मैं इस वाले कंपाउंड की, ये जो कंपाउंड जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, इस वाले कंपाउंड की अगर मिरर इमेज लूं और मैं इसको यहां लिखूं, तो कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा ये, देखो यहाँ ये जो सेकंड कार्बन है इसमें लेफ्ट साइड के अंदर हाइड्रोजन है और राइट साइड में OH है, तो ये यहाँ पर इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे ये ऐसे, और यहाँ नीचे अगर हम देखें तो ये ऐसे, और तो ये दोनों जो हैं, ये A और ये जो B है, ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, आया ना। yes, sir. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये चार आइसोमर्स फॉर्म कर रहा है, दो आइसोमर्स तो ये वाले हैं, एक ये और एक ये, जो एक दूसरे की मिरर इमेज है, और मिरर इमेज होने की वजह से इनको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एनाइसोमर्स। बिल्कुल, अभी देखो मैं आपको आपको यहाँ दिखाता हूँ कि कैसे काम करेगा ये, जैसे कि ये कंपाउंड आप देख रहे हो, ठीक है, अब इसमें आप देखो कि दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो एक एक तरफ है, ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और ये इसकी मिरर इमेज वाला कंपाउंड है, तो ये कंपाउंड और ये कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेजेस है, एक दूसरे की मिरर इमेज होने की वजह से इसे हम बोलेंगे एनाइसोमर्स। एनाइसोमर्स। अगर हम इस कंपाउंड को लें जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, कैसे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, कि भाई ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस तरफ है और यहाँ ये इस तरफ है, अब इसकी मिरर इमेज लेंगे तो मिरर इमेज इस तरह से आएगी और ये भी एक दूसरे की मिरर इमेजेस होंगे, तो जब कंपाउंड हम देखेंगे तो ये दो एनाइसोमर के पेयर बन गए हमारे, एक एनाइसोमर का पेयर तो ये वाला है और एक एनाइसोमर का पेयर ये वाला है। तो ये जो कंपाउंड है आपका एक और दो, ये तो है एनाइसोमर्स, तीन और चार ये है एनाइसोमर्स, लेकिन क्या ये जो कंपाउंड है एक और तीन ये एनाइसोमर है, नहीं। नो सर। ये क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, डायस्टीरियोमर्स बोलेंगे, डायस्टीरियोमर्स। हाँ, ऐसे ही ये जो एक कंपाउंड है ये क्या इस चौथे कंपाउंड के साथ में मिरर इमेज शो कर रहा है, नहीं, तो ये भी डायस्टीरियोमर्स, ये भी क्या है, डायस्टीरियोमर्स। इसी तरह से
अब आप यहाँ पर आपको पता चल गया कि एनाइशियम ये कित, और ये टोटल कितने आइसोमर्स हैं, ये टोटल है आपके चार आइसोमर्स, चार है ना, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, और आपको पता है कि यहाँ पर एक कायरल सेंटर ये है और एक कायरल सेंटर ये है, दो कायरल सेंटर है, उसके बाद में हमने यहाँ पर लगा दिया 2n और ये आपका 2 2 = 4, तो चार कायरल सेंटर, दो कायरल सेंटर वाले कंपाउंड कितने स्टीरियो आइसोमर शो कर रहे हैं, चार स्टीरियो आइसोमर्स शो कर रहे हैं, ठीक है। So, हमारा यही वाला फॉर्मूला था और इस फॉर्मूले में हमने यहाँ पर पुट किया वैल्यू को कि कितने कायरल सेंटर वहां पे प्रेजेंट हैं, जिससे आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि वो कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनाए, ठीक बात, आगे चले। ओके, अब आप यहाँ पर देखो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि जो फॉर्म है 1 और 3, 2 और 3 और 2 और 4, ये ऑप्टिकली एक्टिव तो है लेकिन एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, इसीलिए इनको क्या बोलेंगे हम, डायस्टीरियोमर, डायस्टीरियोमर मत बोलिए। इसी तरह से हम दूसरे कंपाउंड्स भी ले सकते हैं, तो इनको आप उस नोट्स में देखना, आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। फिर अभी हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक और टर्म हम इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं एपीमर्स। क्या इस्तेमाल करते हैं, एपीमर्स। एपीमर्स क्या होते हैं, एपीमर्स वो दो डायस्टीरियोमर होते हैं जिसमें एक कार्बन एटम पर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट होती है। मैं वापस बोल रहा हूं कि ऐसे डायस्टीरियोमर्स, अब डायस्टीरियोमर बोलते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, स्टीरियो आइसोमर तो है लेकिन एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। Yes, sir. तो ऐसे दो कंपाउंड जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, मतलब कि डायस्टीरियोमर्स हैं और वहां पर उनमें अंतर किस चीज का होगा, उसमें अंतर होगा कि एक कार्बन ऐसा होगा जिसकी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगी, बाकी सब कार्बन एटम्स की कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी, तो उसे हम बोलेंगे एपीमर। जैसे कि हम यहाँ पर देख लेते हैं बात को कि भाई ये हमारे पास में डी गैलेक्टोस है और ये हमारे पास में यहाँ पर डी ग्लूकोज है, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो देखो ये एक ग्रुप है CHO ग्रुप, यहां पर भी आप देखोगे ये CHO ग्रुप है, ये जो कार्बन है इस पर लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन और राइट साइड में OH ग्रुप है, लेफ्ट साइड इसमें भी आप देखोगे लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन और OH ग्रुप है। इस अगले कार्बन पर आप देखोगे कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप और अगले कार्बन पर मतलब राइट साइड में हाइड्रोजन, तो लेफ्ट साइड में हाइड्रोक्सिल राइट साइड में हाइड्रोजन। यहां नीचे देखोगे CH2OH, यहां पर भी CH2OH, यहां पर देखोगे कि हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में राइट साइड में OH, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में और राइट साइड में OH, ये सारी के सारे जो मैंने आपको बताई ये क्या थे, सेम कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन एक कार्बन ऐसा है ये वाला कार्बन जिस कार्बन पर आप देखोगे कि राइट साइड में OH है और लेफ्ट साइड में H है, जबकि यहां पर क्या है राइट साइड में H है और लेफ्ट साइड में क्या है OH, तो सिर्फ एक कार्बन एटम ऐसा है जिसमें कॉन्फ़िगरेशन में चेंज है और बाकी के उसमें चेंज नहीं है, तो ऐसे आइसोमर्स को हम एपीमर्स बोलते हैं, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके बताऊंगा तो उससे आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी इसको समझने में, तो मैं इसको मिटा देता हूं और मैं यहां पर आपको एक दूसरा कंपाउंड बताता हूं ड्रॉ करके कि वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आपने यहां पर बनाया C डबल OH, C, C, C और C डबल OH, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि वो मिरर इमेज नहीं होने चाहिए, यही कहा था ना। अब ये मैंने एक इसका डायस्टीरियोमर बनाया और डायस्टीरियोमर वो होता है जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होता, तो यहां मैं बात करता हूं, देखो H, इधर भी मैं लगा देता हूं H और H, इधर मैं लगा देता हूं OH, इधर लगा देता हूं OH, इधर मैं लगा देता हूं OH, इधर लगा देता हूं OH। अब देखो इन सारी सिचुएशंस में हमारे पास में जो स्केलेटन जो दोनों के दोनों जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या है, सेम, दोनों के दोनों सेम है, लेकिन अब ये वाला जो कार्बन है इस कार्बन पर मैं यहां लगाता हूं OH और राइट साइड में लगाता हूं H और यहां लगाता हूं मैं लेफ्ट साइड में H
और राइट साइड में लगाता हूँ कोच। तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन पर आप देखोगे कॉन्फ़िगरेशन है वो है डिफरेंट, बाकी सब पर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, सेम सेम आया ना। यस सर। तो ये दोनों के दोनों जो कंपाउंड है ये वैसे तो क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। आप बताओ मिरर इमेज है क्या? अगर हम यहाँ मिरर रखते, अगर हम यहाँ पर मिरर रखते तो इस OH की जगह यहाँ पर OH होना चाहिए था। Yes, तो इसका मतलब ये मिरर इमेज नहीं है। मिरर इमेज नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये डायस्टीरियोमर। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे डायस्टीरियोमर जिसमें एक कार्बन ऐसा हो जिस पर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो एटम्स का, उसे हम बोलेंगे एपिमर। तो ये दोनों कंपाउंड जो है वो आपके डायस्टीरियोमर है और साथ में क्या कहलाएंगे, एपिमर कहलाएंगे। अभी समझ में आया? Yes, sir. So, इस तरीके से हम यहाँ पर और कंपाउंड्स को भी देख सकते हैं कि सब ये यहाँ पर ये दोनों को अगर हम देखें, इन दोनों को, तो इन दोनों को भी आप देख लोगे कि यहाँ पर CH और ये CHO है, ये भी और ये, इनमें सिर्फ अंतर है लेकिन बाकी सब क्या है, एक जैसे हैं, बाकी सब एक जैसे, ठीक है ना। तो ये एपिमर्स कहलाते हैं। तो एक टर्म हम ये एपिमर वाली भी यूज करते हैं जो आपने यहाँ पर समझी, ठीक बात। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है रेसिमिक और मीजोफॉर्म्स, कि रेसिमिक मिक्सचर और मीजो मिक्सचर क्या होते हैं और कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं और किस तरीके से बनते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि रेसिमिक मिक्सचर और मीजो मिक्सचर या रेसिमिक फॉर्म या मीजोफॉर्म ऐसे कंपाउंड हैं जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। कैसे हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब आप समझ गए होंगे कि लाइट के प्रति उसका कोई किसी टाइप का कोई बिहेवियर नहीं होता, ठीक बात। ओके, रेसिमिक मिक्सचर के बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इक्वी मोलिकुलर क्वांटिटी अगर आप डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी की ले लेते हो, इक्वी मोलिकुलर मतलब समान आयतनी मात्रा है ना, समान मोलिकुलर जो क्वांटिटी है वो आपने ले ली और उसको आपस में मिला दिया, तो जितना वो लेफ्ट साइड में कर रहा था उतना ही वो राइट साइड में करेगा, तो जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से रेसिमिक मिक्सचर की बात हमने अभी थोड़ी देर पहले कर ली थी। तो रेसिमिक मिक्सचर, तो मैंने अभी आपको बताया कि रेसिमिक मिक्सचर इक्वल नंबर ऑफ डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है जिसकी स्पेसिफिक रोटेशन जीरो होती है, और किसकी वजह से होती है, एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिवनेस इसमें आ जाती है। और ऑप्टिकली इनएक्टिव अगर हो जाएगा तो प्लेन पोलराइज लाइट के प्रति कोई व्यवहार नहीं करेगा या उसको किसी तरह से रोटेट नहीं करेगा, ठीक बात। ओके, अब एक एक करके थोड़ी सी हम आगे बात करते हैं। जैसे कि रेसिमिक मिक्सचर को सबसे पहले हम देखते हैं, रेसिमिक मिक्सचर क्या है। देखो यहाँ पर हमने ये टार्ट्रिक एसिड लिया हुआ है और इस टार्ट्रिक एसिड में हमने यहाँ बताया हुआ है कि साहब ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये लेवो रोटेटरी है, और हमने इसका क्या कर लिया, 50-50 ml या 50-50 रेशो में, मतलब 1:1 रेशो में हमने इसको मिला रखा है। ये हमारा टार्ट्रिक एसिड, ये हमारा टार्ट्रिक एसिड, ये हमारा प्लस माइनस टार्ट्रिक एसिड, मतलब मीजो मिक्सचर। अब देखो इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तो सेम आएगा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इनकी फिजिकल क्वांटिटीज क्या रहती है, सेम। लेकिन जो मीजो मिक्सचर आएगा वो दोनों के मिक्सचर से आएगा, दोनों के मिलने से आएगा, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इसी तरह से अगर आप इसकी स्पेसिफिक रोटेशन की बात करें तो ये मान लीजिए कि ये -12 आ रहा है, ये +12 आ रहा है, क्योंकि एक राइट डायरेक्शन में घुमा रहा है, एक लेफ्ट डायरेक्शन में घुमा रहा है। लेकिन दोनों की क्वांटिटी को अगर हमने बराबर मिला दिया और रेसिमिक मिक्सचर बना दिया तो अब उसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना आ रहा है, जीरो। अब डेंसिटी की अगर हम बात करें तो डेंसिटी जो है वो लगभग बराबर रहती है दोनों के अंदर। इसमें भी जो डेंसिटी है वो सेम है और इसमें भी जो डेंसिटी है वो सेम है, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेवो रोटेटरी और जो हमारा रेसिमिक मिक्सचर है उनकी जो डेंसिटी है वो सेम रहती है। इस तरह से तो रेसिमिक मिक्सचर आपको समझ में आया। रेसिमिक मिक्सचर को बनाने की जो विधि होती है, जो कन्वर्जन होता है, जिसमें हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी को आपस में मिक्स करके क्या बनाएंगे, रेसिमिक मिक्सचर बना देंगे, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेसिमीकरण या रेसिमाइजेशन।
अब ये रेसिमीकरण दो तरीके से हो सकता है, एक तो ये है कि आपने 50-50% दोनों ले लिए और आपस में मिक्स कर दिया तो रेसिमिक मिक्सचर बन गया, ये तो सबसे आसान तरीका है क्योंकि उसको आपने देख लिया इक्विमोलिकुलर क्वांटिटी टेक्स्टोरोटेटरी और लेवोरोटेटरी के लेकर के और आप उसको फॉर्म कर दोगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके पास में एक ही यही मेथड हो जिस मेथड के थ्रू आप रेसिमिक मिक्सचर बना सकते हो, आप रेसिमिक मिक्सचर को केमिकली भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो कई सारे फैक्टर जैसे लाइट की प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में या किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में आप एक पर्टिकुलर फॉर्म को, जैसे आपने मान लीजिए कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी फॉर्म ले ली और डेक्स्ट्रोरोटेटरी को ही आप रेसिमिक मिक्सचर में कन्वर्ट कर दोगे, आपने दो अलग अलग फॉर्म नहीं लेगी, आपने प्लस भी ले लिया और माइनस भी ले लिया और दोनों के इक्विमोलर क्वांटिटी मिला करके और रेसिमिक मिक्सचर बना लिया, ये नहीं। ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो उस प्रोसेस को आप रेसिमाइजेशन बोलते हो। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल आप यहाँ नीचे देख रहे हो इस इक्वेशन में, कि जैसे यहाँ हमारे पास आ गया ये जो है, ये हमारे पास में एक कंपाउंड है ये जो कैसा है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड है क्योंकि हमने इसको लिया हुआ है प्लस ए, तो ए कोई कंपाउंड है जो कैसा है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी है और इसके हमने दो मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं, कितने मॉलिक्यूल्स लिए हुए, दो। और अब हम यहां पर देखो, चाहे हीट लगा दें, चाहे हम क्या कहते हैं लाइट की प्रेजेंस में ले लें या कोई ना कोई यहाँ पर कैटलिस्ट लगा दें और उस कंडीशन को अप्लाई करके, और अगर हम इसको पॉजिटिव और नेगेटिव के मिक्सचर में बदल देते हैं, जो बराबर क्वांटिटी में यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेजेंट है, तो वो रेसिमिक मिक्सचर आपका बनके रेडी हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहां पर आपकी यहां बात करूं और यहां किसी कंपाउंड के थ्रू शो करूं, तो कंपाउंड के थ्रू हम यहां शो करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमने यहां पर ले लिया एक कंपाउंड जो है हमारा प्लस टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, ये प्लस टार्ट्रिक एसिड ले लिया, लेकिन हमने इसके कितने कंपाउंड, ये हमने प्लस लिया है और हमने इसके कितने कंपाउंड और कितने मॉलिक्यूल लिए, टू। अब हमने यहां पर क्या किया, लाइट की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाई। अब ये लाइट की प्रेजेंस में, अब हमारे पास आपको पता है कि टार्ट्रिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, दो मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक मॉलिक्यूल तो वही प्लस टार्ट्रिक एसिड की फॉर्म में ही रहेगा। और दूसरा मॉलिक्यूल जो था, जो प्लस की फॉर्म में था, लेकिन उस वो क्या हो गया, वो चेंज हो गया, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो गई और वो नेगेटिव टार्ट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब ये 50% और ये भी 50% हमारे पास यहाँ प्रेजेंट है और ये आपका जो कंपाउंड है क्या बन गया, आपका रेसिमिक मिक्सचर बन गया। ठीक है, मेरी बात समझ में आई आपकी। अब यहां पर हुआ क्या, बेसिकली यहां पर हुआ ये कि अगर मैं यहां पर इसको ड्रॉ करूं, ये कंपाउंड था मान लीजिए कि आपके पास में ये डेक्स्ट्रो, ये प्लस फॉर्म में था। अब इसके हमने क्या ले लिए, दो मॉलिक्यूल काम में ले लिए, एक मॉलिक्यूल तो इस लाइट की प्रेजेंस में सेम उसी तरीके से रहा जिस तरीके से हमने लिया हुआ है। ये ठीक है, सेम वैसा ही है जैसे हमने ये लिया हुआ, ये तो आपका हो गया प्लस। अब दूसरे में क्या हुआ, दूसरे में हुआ ये कि ये जो चीज है, ये जो दोनों कार्बन पर जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये इस लाइट की प्रेजेंस की वजह से ये एक दूसरे को चेंज हो गए, ये यहां शिफ्ट हो गया और ये यहां शिफ्ट हो गया। और जब ये लाइट की प्रेजेंस में ऐसा हो गया तो ये जो दूसरा आइसोमर आपका बनेगा वो क्या बनेगा, वो ऐसा बन जाएगा। ये आपका क्या है,
ये आपका लेबोरेटरी ट्री, ये आपका 50% बन गया था, ये भी आपका 50% बन गया था, ठीक है। और जब ये 50-50% बन गए तो ये क्या हो गया, ये आपके रासायनिक मिक्सचर बन गए, बन गए। मेरी बात समझ में आ गई? तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेसिमाइजेशन, जिसमें कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लाइट की प्रेजेंस से, हीट की प्रेजेंस से या किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस से इसमें कन्वर्ट हो जाता है, रेसिमिक मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम रेसिमाइजेशन बोलते हैं। ठीक बात। आगे सभी को समझ में?